भारतीय रेल रोज 21,000 से भी ज्यादा ट्रेन चलाती है। इन गाड़ियों को बिना रुके बिना थके दिन रात चलाने वाला लोको पायलट के ऊपर हजार यात्रियों और लाखों टन माल परिवहन का जिम्मेदारी होती है। ये रोज बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हैं। आइए आज हम देखते हैं कुछ असामान्य स्थितियों में लोको पायलट के कर्तव्य। जब ट्रेन को किसी स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर स्पष्ट कारण के बिना खड़ा किया जाता है तो सबसे पहले लोको पायलट स्टेशन स्टाफ की ध्यान आकर्षित करने के लिए कंटिन्यूस विसल बजाएं। गार्ड तुरंत अपने टेल बोर्ड या टेल लैंप को चेक करें और रियर लॉक सेक्शन की तरफ नजर रखकर जागरूक रहे। ऐसी स्थिति में 5 मिनट बीत जाने पर लोको पायलट कंटिन्यूस हॉर्न बजा के गार्ड को चेतावनी दे। अब लोको पायलट केबिन या स्टेशन मास्टर को चेतावनी देने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट को भेजें। असिस्टेंट लोको पायलट केबिन या स्टेशन की तरफ जाते वक्त डेंजर हैंड सिग्नल दिखाते हुए आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में 15 मिनट बीत जाने पर गार्ड दिन के वक्त हो तो सबसे पहले साइड लैंप ब्रैकेट या फिर हैंड रेल पर लाल झंडी को बांध दे। और अगर रात का वक्त या फिर व्यू एयर क्लियर ना हो तो ब्रेक वैन की साइड लैंप को रिवर्स कर दें, जिसके कारण इंजन की तरफ लाल बत्ती और पीछे की तरफ सफेद बत्ती दिखाई देना चाहिए। अब गार्ड ट्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए रियर ब्लॉक सेक्शन की तरफ डेंजर हैंड सिग्नल दिखाते हुए ब्रॉड गॉज में 600 मीटर में यानी वहां की किलोमीटर पोस्ट के हिसाब से या फिर 8 या 9 इलेक्ट्रिक खंबे के बाद एक डिटोनेटर लगाएं। फिर वहां से 8 या 9 इलेक्ट्रिक खंबे के बाद यानी कि 1200 मीटर में दूसरा डेटोनेटर लगाएं। उसके बाद 1210 मीटर में यानी कि 1200 मीटर में लगाया गया डेटोनेटर से लगभग 17 स्लीपर के बाद तीसरा डेटोनेटर लगाएं और फिर वहां से 17 स्लीपर के बाद यानी कि 1220 मीटर में चौथा डेटोनेटर लगाएं। जब तक उनको वापस बुलाया ना जाए तब तक डेंजर हैंड सिग्नल दिखाते हुए वहां खड़े रहें। याद रहे डेटोनेटर लगाने की प्रक्रिया के बीच अगर कोई गाड़ी आ जाए तो जहां तक हो सके एक डेटोनेटर लगा के डेंजर हैंड सिग्नल दिखा के गाड़ी को रोकने की कोशिश करें। और अगर इसी बीच सिग्नल टेक ऑफ हो जाता है या फिर लोको पायलट को सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के लिए अथॉरिटी मिल जाता है तो वो कंटिन्यूस विसल बजा के गार्ड को रिकॉल करें। अब गार्ड 1200, 1210 और 1220 मीटर में बंधा गया तीनों डेटोनेटर को वहीं पर बंधा हुआ स्थिति में छोड़कर अपनी ब्रेक की तरफ वापस आए और वापस आते समय 600 मीटर में बंधा हुआ डेटोनेटर को उठा के ले आए। अब गार्ड ब्रेक पैन में लगाया गया लाल झंडी को हटा दें या फिर साइड लैंप को नॉर्मल पोजीशन में ले आए। अब लोको पायलट को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हैंड सिग्नल से इशारा करें। अगर लेस विजिबिलिटी कर्वेचर या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण गार्ड का हैंड सिग्नल सही तरह से दिखाई ना दे तो
वॉकी टॉकी के माध्यम से गार्ड से परमिशन मिलने के बाद ही लोको पायलट गाड़ी को स्टार्ट करें। अब सिग्नल को पार्क करके स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते वक्त लोको पायलट गाड़ी को खड़ा करके असिस्टेंट लोको पायलट को पिकअप करें। आखिरकार इस प्रकार के सभी केसेस में गार्ड और लोको पायलट अपने जॉइंट ट्रेन रिपोर्ट में तुरंत सूचना दें। जब कोई ट्रेन दो स्टेशन के बीच एक्सीडेंट, फेल्यूर, ऑब्स्ट्रक्शन या किसी असाधारण कारण जैसे ड्रैग के साथ सडन जर्क, वैक्यूम या एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाना या ट्रेन पार्ट हो जाना या किसी अन्य कारण से रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है, तो लोको पायलट सबसे पहले ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाला गाड़ी का लोको पायलट का ध्यान आकर्षण करने के लिए अपनी फ्लैशर लाइट को ऑन कर दें। अगर हेडलाइट जलता हो तो उसे स्विच ऑफ कर दें। फिर चार शॉर्ट व्हिसल बजाएं या अन्य अवेलेबल कम्युनिकेशन द्वारा गार्ड को इन्फॉर्म करें और उसके बाद डेंजर हैंड सिग्नल डिस्प्ले करें। साथ ही लोको पायलट नियर बाई स्टेशन मास्टर और बगल वाला लाइन में चलने वाला गाड़ी का क्रू और गार्ड को वॉकी टॉकी पर इतला करें। फिर टाइम और किलोमीटर तुरंत नोट करें। अब गार्ड चार शॉर्ट हॉर्न सुनने के बाद डेंजर हैंड सिग्नल वर्टिकली अप एंड डाउन करें। फिर लोको पायलट लॉन्ग हॉर्न बजा के गार्ड को एक्नॉलेज करें। अब गार्ड अपने टेल बोर्ड या टेल लैंप का प्रॉपर पोजीशनिंग और फंक्शनिंग चेक करें। फिर गार्ड ट्रेन का पिछले हिस्से को प्रोटेक्शन करने की प्रक्रिया GNSR 6.03 के अनुसार शुरू कर दें, जो कि ये फिल्म में पहले से ही दिखाया गया है। अब LP या ALP ट्रेन की फ्रंट पोर्शन को प्रोटेक्शन करने के लिए एडवांस ब्लॉक सेक्शन की तरफ डेंजर हैंड सिग्नल दिखाते हुए ब्रॉड गॉज में 600 मीटर में यानी वहां के किलोमीटर पोस्ट के हिसाब से या फिर 8 या 9 इलेक्ट्रिक खंबे के बाद एक डिटोनेटर लगाएं। फिर वहां से 8 या 9 इलेक्ट्रिक खंबे के बाद यानी कि 1200 मीटर में दूसरा डिटोनेटर लगाएं। उसके बाद 1210 मीटर में यानी कि 1200 मीटर में लगाया गया डेटोनेटर से लगभग 17 स्लिपर के बाद तीसरा डेटोनेटर लगाएं और फिर वहां से 17 स्लिपर के बाद यानी कि 1220 मीटर में चौथा डेटोनेटर लगाएं और जब तक उनको वापस बुलाया ना जाए तब तक डेंजर हैंड सिग्नल दिखाते हुए वहां खड़े रहें। याद रहे, अगर इसी बीच गाड़ी आगे जाने के लिए तैयार हो जाती है तो लोको पायलट कंटिन्यूस विसल बजा के रिकॉल करें। अब 1210 और 1220 मीटर में बंधा गया तीनों डेटोनेटर को वहीं पर बंधा हुआ स्थिति में छोड़कर वापस आए और वापस आते समय 600 मीटर में बंधा हुआ डेटोनेटर को उठा के ले आए। अब गार्ड गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हैंड सिग्नल से इशारा करें। अगर लेस विजिबिलिटी, कर्वेचर या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण गार्ड का हैंड सिग्नल सही तरह से दिखाई ना दे तो वॉकी टॉकी के माध्यम से गार्ड से परमिशन मिलने के बाद ही लोको पायलट गाड़ी को स्टार्ट करें। डबल लाइन, मल्टीपल लाइन या पैरेलल सिंगल लाइन सेक्शन में अगर बगल वाला लाइन बाधित हुआ हो तो गार्ड और लोको पायलट सबसे पहले उसी लाइन में डेटोनेटर लगाएं जिस लाइन से गाड़ी आने की संभावना ज्यादा हो। उसके बाद बाकी सब लाइंस पे भी डेटोनेटर लगा के प्रोटेक्शन करें। अगर ऐसी स्थिति EMU ट्रेन के साथ हो तो बताए गए सारे प्रिकॉशन लेना है और चार हॉर्न के बदले में
लोको पायलट या मोटरमैन को चार बेल तब तक बजा के गार्ड को इत्तला करना है जब तक गार्ड से चार बेल का एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। ध्यान दें, ऐसी स्थिति में लोको पायलट और गार्ड दोनों अपनी तरफ का फ्लैशर लाइट को स्थिति सामान्य होने तक ऑन करके रखें। कभी भी अप्रोचिंग ट्रेन का लोको पायलट फ्लैशर लाइट या डेंजर हैंड सिग्नल देखने पर पहले अपनी ट्रेन को तुरंत स्टॉप करें और अफेक्टेड ट्रेन को सहायता प्रदान करें। ध्यान दें, अगर कहीं डेंजर हैंड सिग्नल डिस्प्ले किया गया हो और फिर कोई फर्दर डिटेल ना मिले तो कारण का पता करने के लिए दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट ट्रेन को खड़ा करें, और अगर कुछ पता न चले तो शार्प लुकआउट के साथ कॉशियसली नेक्स्ट ब्लॉक स्टेशन तक जाएं। अप्रोचिंग ट्रेन का लोको पायलट डेटोनेटर एक्सप्लोड करने के बाद बार बार व्हिसिल बजाएं और अपनी स्पीड घटा के कॉशियसली आगे बढ़े, ताकि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उससे पहले ट्रेन को रोक सके। ऐसी स्थिति में 1.5 किलोमीटर के बाद अगर कोई और डेटोनेटर एक्सप्लोड नहीं होता तो लोको पायलट नॉर्मल स्पीड रिज्यूम करें और नेक्स्ट स्टेशन या केबिन में रिपोर्ट करें। ध्यान दें, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में ऐसी स्थिति होने पर अगर बगल वाला लाइन बाधित हुआ हो तो सबसे पहले उसी लाइन पर ब्रॉडगेज में 600, 1200, 1210 और 1220 मीटर में डेटोनेटर लगाने के बाद बाधित लाइन पर ट्रेन से 90 मीटर यानी कि 1.5 इलेक्ट्रिक खंभे के बाद या फिर 150 स्लीपर के बाद एक डेटोनेटर लगाएं। फिर 180 मीटर यानी कि वहां से फिर 1.5 इलेक्ट्रिक खंभे या फिर 150 स्लीपर के बाद दूसरा डेटोनेटर लगाएं, और फिर 190 मीटर यानी कि दूसरा डेटोनेटर से 17 स्लीपर के बाद तीसरा डेटोनेटर लगाएं। ध्यान दें, डेटोनेटर लगाने के दौरान अगर कोई ट्रेन आ जाता है तो जहां तक हो सके एक डेटोनेटर लगा के गाड़ी को रोकने की कोशिश करें। ध्यान दें, अगर 2 या उससे ज्यादा पैरेलल सिंगल लाइन सेक्शन में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी कारण से GR 6.03 के तहत डिटोनेटर लगा के प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता तो लोको पायलट और ALP लगातार शॉर्ट शार्प विसल तब तक बजाते रहें जब तक कि बगल वाला लाइट का अप्रोचिंग ट्रेन खड़ा ना हो जाए। साथ ही गार्ड और लोको पायलट अप्रोचिंग ट्रेन की तरफ डेंजर हैंड सिग्नल डिस्प्ले करें, और रात के वक्त या विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो रेड फ्लैशिंग टॉर्च के इस्तेमाल करें ताकि अप्रोचिंग ट्रेन के लोको पायलट को साफ दिखाई दे। याद रहे, सीरियस एक्सीडेंट होने पर लोको पायलट ऊपर बताए गए कार्य के साथ इंजर्ड पैसेंजर्स को हेल्प करें। फिर रोलिंग स्टॉक, लोकोमोटिव, पीवे और OHE आदि का डैमेज को आंकलन करके गार्ड को और ऑल कंसर्न इन्फॉर्म करें। जब लोको पायलट IBS सिग्नल पास होने के बाद अनअवॉइडेबल परिस्थिति के कारण अपनी ट्रेन को बैक करना चाहते हों, तो पहले 4 शॉर्ट विजल बजा के गार्ड को इन्फॉर्म करें। अब गार्ड अपने टेल बोर्ड या टेल लैंप का प्रॉपर पोजीशनिंग एंड फंक्शनिंग चेक कर ले। फिर गार्ड ट्रेन का पिछले हिस्से को प्रोटेक्शन करने का प्रक्रिया GR 6.03 के अनुसार शुरू कर दें, जो कि ये फिल्म में पहले से दिखाया गया है। अब गार्ड ट्रेन का लोकेशन को चेक करके लोको पायलट से यह सुनिश्चित करें कि गाड़ी को बैक करने से ट्रैक का एक्सल काउंटर या ट्रैक सर्किट एरिया यानी बैकिंग परमिशन बोर्ड को पार करके फाउल नहीं होता हो, तो जहां तक बैक करना है वहां तक प्रोटेक्शन करने के बाद लोको पायलट को रिटर्न परमिशन दें।
अगर ट्रेन को ट्रैक का एक्सल काउंटर या ट्रैक सर्किट एरिया को पार करके ब्रेक करना है तो गार्ड आईबीएस सिग्नल पोस्ट पर उपलब्ध टेलीफोन से रियर स्टेशन की स्टेशन मास्टर से संपर्क करके ये सुनिश्चित करके प्राइवेट नंबर लें कि उनकी ट्रेन के पीछे कोई भी ट्रेन को ना भेजा गया है और ना ही भेजा जाएगा। उसके बाद ही लोको पायलट को ट्रेन को बैक करने के लिए वही पीएन के साथ लिखित मेमो प्रदान करें। अगर ट्रेन में गार्ड ना हो तो ये फिल्म में दिखाए गए सारी परिस्थितियों में गार्ड का काम लोको पायलट को करना है। विशेष सूचना, ये शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म बदलते तकनीकी विषय की विशालता, समय की पाबंदी और ईस्ट कोस्ट रेलवे में प्रचलित G&SR मैनुअल्स, SRR, ZRR तथा सर्कुलर्स आदि को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशनल सप्लीमेंट के तौर पे बनाया गया है। अगर कहीं बताए गए विषयों के संदर्भ में कुछ अलग प्रावधान है या कुछ अलग प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसे जरूर फॉलो करें। इस फिल्म की लेटेस्ट एमेंडेड वर्जन के लिए हमें संपर्क करें। इसके अतिरिक्त आप अपना कीमती सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।